में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर क्यूरी एडिटर। जी हाँ, पावर क्यूरी में हम पावर क्यूरी एडिटर के बारे में आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। पावर क्यूरी एडिटर किस तरीके से यूज होता है और क्या होता है, तो हमने इससे पहले की क्लास में इसके बारे में हम जाने थे, चलिए उससे आगे हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि डेटा लोड करते समय या लोड करने के बाद भी आप क्यूरी को खोल सकते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा करके। तो यहां हम डैशबोर्ड 4 को ही ले लेते हैं। और हम सीट पे आते हैं और यहां पे हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म डेटा का। ट्रांसफॉर्म डेटा करते ही ये आपको एक अलग पावर बीआई जैसा ही एक पावर क्वेरी एडिटर का विंडो खुलता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसमें हमने यहां पे न्यू क्वेरी डेटा सोर्स पैरामीटर मैंने छोड़ दिया था, क्वेरी मैनेज कॉलम्स रिड्यूज रो एंड शॉर्ट, शॉर्ट तक पढ़ चुके थे ना। हेलो, तक पढ़े थे, शॉर्ट तक पढ़ चुके थे ना। ऐसा रोज तक पढ़े थे, कीप रोज और रिमूव रोज। ओके, अब शॉर्ट की बात करते हैं। अब बात होती है शॉर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, क्या जरूरत है शॉर्ट करने की, राइट? तो इसके लिए जैसे कि अब मान लीजिए मैं डेटा को शॉर्ट नहीं करता हूं और मैं अप्लाई एंड क्लोज कर देता हूं, जान लीजिए। तो इसलिए क्या होता है कि जब हम पावर क्वेरी में काम करते हैं तो पावर क्वेरी में काम करते समय डेटा को तसल्ली कर लेते हैं कि हाँ डेटा सही तरीके से है या नहीं है, सारा डेटा है नहीं है, टॉप में क्या है, बॉटम में क्या है, पहले में देखना होता है, राइट? तो उसके लिए हम डेटा शॉर्टिंग फिल्टर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो हम वहीं पे उसका वो मतलब पावर क्वेरी के अंदर ही हम उसकी जो भी चेंजिंग वगैरह कर लेंगे और फिर यहां पे आएंगे, राइट सर? तो अभी आपका आ गया। अब जिसमें अब मान लीजिए डेटा हमारा है, अब मैं रेवेन्यू वाइज जो मैं रेवेन्यू है सॉरी रीजन वाइज रेवेन्यू का मैं यहाँ टोटल निकालता हूँ। मैं डेटा में टेबल ही ले लेता हूँ और यहाँ हमने लिख दिया रीजन, रीजन को डाल दिया और हमने यहाँ रेवेन्यू का डाल दिया, राइट? फर्स्ट लो, हाँ यहाँ पे आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये आपका हाईएस्ट टू लोएस्ट में शॉर्ट है ना। हेलो, नहीं हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं है, ये अल्फाबेटिक शॉर्ट है, अल्फाबेटिक शॉर्ट है। अब मैं अपने डेटा में जाता हूँ और मैं यहाँ पे होम और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आता हूँ। तो अब यहाँ मैं एक चीज बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ रीजन को शॉर्ट कर दिया, सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे शॉर्ट असेंडिंग एंड डिसेंडिंग है, तो डिसेंडिंग हमने कर दिया यहाँ पे, ये हमारा शॉर्ट डिसेंडिंग हो गया और फिर मैंने इसको क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर दिया। तो यहां डेटा जो मुझे दिखा ऑटोमेटिकली मेरा डिसेंडिंग में शॉर्ट दिखा, हालांकि मैं यहां भी शॉर्ट कर सकता हूं, यहां भी मेरे पास शॉर्ट करने का है, लेकिन हमने यहां से डेटा को शॉर्ट ही मंगवाया है। अब यहां पे मैं देखना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट में कोई फर्क पड़ता है डिसेंडिंग असेंडिंग अगर डेटा शॉर्ट है तो। जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट सर? तो ये सिर्फ आपका जो हम यहां ट्रांसफॉर्म के अंदर जो चीजें करते हैं, यहां जो होता है वो सिर्फ अपने व्यू के पर्पस से होता है सॉर्टिंग का, बट फिल्टर नहीं। अगर फिल्टर आप लगा दें, जैसे मान लीजिए मैंने टीम
ए का फिल्टर लगा दिया तो अब मेरा जो डेटा आएगा वो सिर्फ टीम ए का ही आएगा। बात समझे? और इससे मेरा रिपोर्ट भी इफेक्टेड होगा। देख इफेक्टेड हो गया ना सर। अब ये सिर्फ टीम ए का डेटा दिखा रहा है, पूरा डेटा नहीं है। और मैं यहां ऐसा नहीं कि नॉर्मली फिल्टर जब यहां से लगाते हैं तो बाद में फिल्टर को हटा देते हैं ना सर, बट यहां नहीं, क्योंकि यहां पे देखिए टीम ए के अलावा कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने जो पावर क्यूरी के अंदर ही हमने फिल्टर कर दिया है। तो पावर क्यूरी में जो डेटा दिखेगा वही यहाँ पे दिखेगा, और जो पावर क्यूरी हमने चेंजिंग किया है उस चेंजिंग को यहाँ रिमूव नहीं कर सकते। राइट सर? हाँ जी सर। तो इसको मैं यहाँ से वो कर देता हूँ, यहाँ से ओके। अब यहाँ पे एक आता है आपका स्प्लिट कॉलम, आपको स्प्लिट कॉलम दिख रहा है ना, यहाँ पे स्प्लिट बाय डिलिमिटर। आपको एक्सेल में याद होगा हमने टैक्स टू कॉलम किया था, ये आपका टैक्स टू कॉलम ही है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्प्लिट बाय नंबर एंड कैरेक्टर्स, स्प्लिट बाय पोजीशन। कोई भी टेक्स्ट, जैसे कोई भी टेक्स्ट फाइल अगर हम अपलोड करेंगे तो उसमें जो हमारा साइन होता है उसको यहाँ से हम रिमूव कर सकते। जी हाँ, जैसे मान लीजिए हम डिलिमिटर हमने क्लिक कर दिया, जैसे नोट पैड की फाइल आपने लिया उसमें भी आप इसकी चीजें कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेस आ गया, स्पेस आया यहाँ पे, और भी है कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस। बाय डिफॉल्ट स्पेस सिलेक्ट हुआ क्योंकि सिस्टम ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि हमारे डेटा में मोस्टली में स्पेस है। अब इसमें देखिए लेफ्ट मोस्ट लिमिटेड, लेफ्ट से जो है उसको अलग करना है, राइट मोस्ट राइट से उसको अलग करना है, यहाँ तक इच, मतलब कि जितने भी स्पेसेस है सबको अलग करना। बस समझ आया सर? तो जितने भी स्पेसेस थे सबको रिप्लेस करना था। तो अब यहां पे सिलेक्ट किया, इसमें एडवांस ऑप्शंस भी हैं कि स्प्लिट इनटू कॉलन, इनटू रो, यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स टू स्प्लिट इनटू कोटेशन करेक्टर, ए सी जे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका उतना यूज नहीं होता है। ओके करता हूँ। आप यहाँ देखेंगे टीम वन एंड टीम टू आ गया। अब टीम वन को जगह पे हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया एरिया क्या टीम है, और यहाँ पे टीम का आईडी हो गया। ओके, हालांकि हम इसको लेफ्ट लेफ्ट राइट मिड से भी अलग कर सकते थे, लेकिन फिर वो एक नया कॉलम बना देता ना एक्सेल वहां पे। तो हमने यही सर क्या किया इसमें, हमने इसमें स्प्लिट बाय स्पेस किया है ना अभी। अच्छा जी, हां ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। तो यहां से इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं। ऐसे भी स्प्लिट्स के और भी चीजें हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। स्पेस बाय नंबर एंड कैरेक्टर, मतलब कि नंबर और कैरेक्टर, यहां पे देखिए इसमें नंबर है, तो हमने क्या किया यहाँ पे कर दिया स्प्लिट बाय नंबर एंड करेक्टर। तो नंबर को अलग कर देगा, करेक्टर को अलग कर देगा। ये नहीं, वो नंबर ऑफ करेक्टर से, ये लेफ्ट से तीन या राइट से तीन। हाँ, ये नंबर ऑफ करेक्टर है, ये रहा आपका, सॉरी नॉन डिजिट, नॉन डिजिट टू नॉन डिजिट। हाँ ये रहा, ठीक है। तो आपने देखा इसमें से डिजिट को अलग कर दिया, राइट सर? तो स्प्लिट में आप एडिमिनेटर कुछ पर्टिकुलर करेक्टर के हिसाब से, नंबर ऑफ करेक्टर, आप नंबर ऑफ करेक्टर लेफ्ट राइट मिड से अलग कर सकते हैं, बाय पोजीशंस ये बता सकते हैं कि भाई कौन सी पोजीशन में पांचवा वैल्यू चाहिए, छठा वैल्यू चाहिए, पोजीशन होता है लोअर केस अपर केस के, अपर केस लोअर केस, ये आपका डिजिट टू नॉन डिजिट। एंड अभी इसमें क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि मेरा डिजिट लास्ट में था इसलिए अप्लाई नहीं हुआ। तो अगर पहले करेक्टर है तो पहले डिजिट है तो यह होगा डिजिट टू नॉन डिजिट, और यह होता है नॉन डिजिट टू डिजिट, इसको अलग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें बात करते हैं ग्रुप बाई का। ग्रुप बाई जैसे कि मैं, मेरे पास क्या है कि यहां पे एक मिनट डेटा है, तो इसमें मेरे पास एक यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो ये है रीजन है, रीजन दिख रहा है ना सर, तो रीजन जो है हमारा है इसमें हमारा जो है हवाई, नहीं इसमें नहीं है रीजन, टीम ही मान लीजिए कि दो टीम को मुझे मिला के एक टीम करना है, जैसे कि मुझे एफ को जी यहाँ पे ग्रुप बाई पे अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे आईडी होता है और आपको ग्रुप में क्या करना है यहाँ पे कॉलम का नेम, न्यू कॉलम नेम काउंट हो गया, ये आपका काउंट बाई रोज या सम करना है और रैंकिंग देना है या क्या देना है आपके सामने दिख रहा है आपको टैंकिंग टाइप क्या किसको सेलेक्ट करना है, रैंकिंग नया आ गया, ओके कीजिए, ये आपका ग्रुप बाई हो गया। मतलब कि यहीं पे आप इसका एक पिवट निकाल लिया आपने, समझे सर। जैसे कि आपको प्रॉब्लम हुई थी ना सर कि इस, आप यही चाह रहे थे ना कि टीम बाई इस तरह के टोटल क्यों निकाल इसकी, क्योंकि इसकी टोटल निकालने के लिए आपको डेटा में बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़ेगा, बट यहां आपने क्या किया इजिली आपने यहां पर ग्रुप निकाल लिया, समझे कि नहीं सर। एक बार टीम से करके देखेगा सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लोज करता हूँ, जैसे कि मेरे पास टीम वाइज है और मुझे टीम वाइज रिपोर्ट चाहिए, राइट सर, तो एक्सेल में अगर मैं बोलूंगा कि मुझे सर इसमें पिवट टेबल की तरह समझ लीजिए, अगर मैं इसमें पावर बीआई में अगर करता हूँ तो पावर बीआई मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई में मुझे पहले तो आउटकम फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, पहले यूनिक लेना पड़ेगा यूनिक, ताकि एबीसीडी जो भी है वो यूनिक आ जाए, फिर इसके आगे काउंट है सबमिक्स मैचेस वगैरह लगाने पड़ेंगे ना, क्या सर। हां जी सर, और यहां पे आपका इजी होता है, मैं एक बार दोबारा एक बार बताता हूं, एक बार चाहिए मैं कोई और डेटा देता हूं गेट डेटा, बट सर यूनिक निकालने के बाद समएक्स लगा रहे थे लग नहीं रहा था, एक बार वो भी बता दीजिएगा। ठीक, अभी मैं बता देता हूँ उसकी, मैं एक और डेटा देता हूँ, मैं अभी में डेटा पी लेता हूँ, चलो और यहाँ पे हमने अपना सीट वन सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डेटा है और इसको हमने ट्रांसफॉर्म में चलाया, ट्रांसफॉर्म में आपको दिखा देते एक बार। अब इसमें जैसे कि आपके सामने मेरे सामने ये रीजन है, राइट, मुझे रीजन वाइज अपने एस्टिमेटेड एक्चुअल वैल्यू का टोटल चाहिए, रीजन वाइज एक्चुअल वैल्यू का टोटल चाहिए, समझ गए। मैं अप्लाई क्लोज कर दिया। अब एक्सेल में इसमें पावर बीआई में कैसे करेंगे इस चीज को आपको जानना है एक्सेल, चलिए तो सबसे पहले तो मैं यहाँ न्यू टेबल पे जाऊंगा, क्योंकि समरी निकलना है तो न्यू टेबल पे ही निकलेगा, कॉलम में तो निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम यू सब कुछ लगा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं और मुझे किसको यूनिक करना है, ग्रुप किसको करना है, तो ग्रुप करना है हमको इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे मैं न्यू कॉलम ऐड करता हूँ, क्या करता हूँ, न्यू कॉलम,
अब यहां पे मैं बोलता हूं एक्चुअल रेवेन्यू। अब इसलिए क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा सम एक्स। सम एक्स में हम जानते हैं कि बिना फिल्टर का सम एक्स वर्क नहीं करता है, फिल्टर लगेगा। हाँ, फिल्टर में हमने बोला यहां पे कि सीट टू, सीट टू में टेबल हो गया, एक्सप्रेशन हमने बोला सीट टू और सीट टू का रीजन इक्वल टू ये हमारा यू एन आई यूनिक का रीजन, राइट सर। अब इसको क्लोज कर दिए, अब आपको देना होगा कि आखिर सम किसका चाहिए, तो सम चाहिए एक्चुअल एक्चुअल रेवेन्यू का। फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, आ गया सर। लेकिन इतना करने की जो अगर आपको जो इसको सेव ऐसा ही दिखाना है, कुछ और कैलकुलेशन अगर नहीं करनी है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको यही पे मैट्रिक्स के अंदर में आप टेबल रखा आपने, और मैंने यहाँ पे सी टू में गया और मैंने रीजन को रख दिया और मैंने यहाँ पे रख दिया हमारा एक्चुअल, ठीक है सर। ये तो है सर, ये तो है ही, वो मैं फॉर्मूला लगा के देख रहा था। हाँ, लेकिन एक्चुअली देखिए मैं समझा रहा हूँ कि इससे मान लीजिए मुझे फिर इसमें परसेंटेज निकालना है, जीएसटी निकालना है, ऐसी कैलकुलेशन करनी है, तो ऐसी कैलकुलेशन हम यहाँ तो नहीं कर पाएंगे ना, समझे। ऐसी कैलकुलेशन के लिए फिर हमें टेबल में ही इस यहाँ पे लगा के फिर इसके आगे एक्चुअल का जीएसटी निकालना मान लीजिए, तो मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने दिया जीएसटी और फिर यहाँ पे हमने कर दिया एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय 0.18%, समझे, क्लियर है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे इस तरह का चाहिए तो इतना झमेला हम क्यों करें, हम डायरेक्ट जब हम जब डेटा इंपोर्ट करते हैं, याद रखिएगा अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा ना, इसको ट्रांसफॉर्म कर दीजिएगा जो टेबल टू है, तो दिक्कत क्या होगा कि आपका पूरा टेबल फिर उसी हिसाब से हो जाएगा। तो आपको एक न्यू फिर से एक न्यू कनेक्शन लेना होगा, क्या लेना होगा, न्यू कनेक्शन। और डेटा लोड करते समय ही आप क्या करेंगे, यार एक रिसेंट रिसेंट सोर्स पे क्लिक करता हूं, डेटा टी को लेता हूं और यहीं पे मैं सीट वन को सिलेक्ट किया और यहां पे हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे चले गए। ये इजी है, और यहीं पे हम जो हमारा ग्रुप बाई है, हमें किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है, रीजन के, रीजन को हम सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप बाई पे जाएंगे। अब यहां पे ग्रुप बाई पे जाने के बाद कॉलम का नेम क्या रखना है, तो हमें लिखना है आर इन जी रीजन कर देना है। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे सम चाहिए, कौन से कॉलम का सम चाहिए, तो मुझे चाहिए इसकी एक्चुअल रेवेन्यू का, ओके एंड आप ओके कर दीजिए, ये चीज आपको यहीं पे कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पे नल है, ब्लैंक है, ब्लैंक का हुआ, हाँ ब्लैंक है, तो आप इसको यहाँ से फिल्टर में ब्लैंक को हटा दीजिए। और जैसे मैंने बताया कि जो आपको यहाँ दिखता है पावर क्यूरी में वही आपको पावर क्यूरी में जाएगा, तो क्लोज एंड अप्लाई पे हम चले गए और फिर जो डेटा हमारा कनेक्ट होगा आप देखेंगे कि उसमें हमारा वो टेबल ही कनेक्ट हो गया है। अब इसके आगे और देखिए हमारा ब्लैंक भी नहीं है, क्लियर है सागर जी, सागर जी समझ में आ रहा है आपको, यस 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 सर, काम की चीजें है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करें तो ग्रुप बाय के बाद यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि जो हमारा हीडर है फर्स्ट हीडर जो है वही हो जाए,
ठीक है ना, फर्स्ट हीटर रो जो एंगल हो रहा है यूज हीटर एज अ फर्स्ट रो, मतलब कि इसको रो को आप फर्स्ट रो पे हीटर बना सकते हैं और हीटर को फर्स्ट रो करके हीटर हटा सकते हैं। ओके, रिप्लेस वैल्यू, आप जैसे कि रिप्लेस करना चाहते हैं कुछ ऐसा वर्ड तो यहाँ यूज कर सकते हैं रिप्लेस। जैसे मैं सीट वन पे आता हूँ, सीट टू हाँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि CRM जो है CRM सैप हो जाए, गलती से CRM हो गया, तो रिप्लेस वैल्यू में आता हूँ और यहाँ पे हमने बोला कि नहीं CRM को सैप कर आप ओके कर दीजिए, सैप हो गया। इस तरह से वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, तो ट्रांसफॉर्म हमारा हो गया। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, कल की क्लास में हम कंबाइन पे बात करेंगे और कंबाइन इंपोर्टेंट है क्यूरी से रिलेटेड। फिर हमारा होम टैग खत्म हो जाएगा, फिर हम ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और ट्रांसफॉर्म की चीजों को देखेंगे। ऐड कॉलम पे हम फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, व्यू तो कोई खास है नहीं, फिर व्यू के बारे में कुछ चीजें देख लेंगे। टूल्स में आएंगे तो टूल्स भी कोई खास नहीं है, तो आपका बस ट्रांसफॉर्म जो है वो है और ऐड कॉलम दो चीजें है जो मेन है आपका। तो ट्रांसफॉर्म में भी कुछ बड़ी चीजें नहीं है क्योंकि मोस्टली चीजें हम कर चुके हैं जो बाहर होम में था, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो कि हम करेंगे। ओके सर, तो मिलते हैं कल सेम टाइम। यस सर, थैंक यू, ओके बाय।